गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए कुछ ताज़ा जानकारी ले आए हाँ। वह हजारों कर्मचारी तो जो है वह खुश नज़र आए इस दिवाली के ऊपर, और हजारों कर्मचारी जो वह खुश नज़र नहीं आए जिन्होंने जो वह दिवाली नहीं मनाई। आदेश के बावजूद भी जो वह नहीं मिल पाया वेतन, चंडीगढ़ तक जाएगी बात। तो इसी प्रकार से जो है हजारों की संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जिसको जो है अब की बार दिवाली से पहले वेतन देने के लिए आदेश जारी करे थे कि दिवाली से पहले पहले जो है सभी जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है देने का काम किया जावे। और वहीं दूसरी तरफ बात करा टीजीटी पीजीटी के कर्मचारी, जिसकी जो है अभी तक सैलरी बढ़ोतरी करने का काम भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा नहीं किया गया है। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, दिवाली त्यौहार पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लगभग 1000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया, और उसी प्रकार से टीजीटी के कर्मचारी हैं, पीजीटी के कर्मचारी हैं, और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिसके जो वह मैसेज देखने नहीं मिले थे कि सर हमारा भी वेतन नहीं आया, हमारा भी वेतन नहीं आया। तो उसी प्रकार से जबकि अधिकारियों की ओर से तनख्वाह हर हाल में दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, कर्मचारी बोल रहे थे कि आपकी जो सैलरी है वो 31 तारीख से पहले पहले सभी के अकाउंट के अंदर डालने का काम कर दिया जाओगा, लेकिन इसके चलते सीवरमैन, वाटर सप्लाई के अलावा कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को त्यौहार के परेशानी झेलनी पड़ी। इससे नाराज़ कर्मचारियों ने शुक्रवार को बैठक कर नाराज़गी जताई। बैठक में जो वे सारे वहाँ पर मौजूद थे, चंडीगढ़ मुख्यालय की ओर से भी कही गई अनदेखी की वजह से सैलरी मिलने में अड़चन बन गई। हालांकि महीने की 5 से 7 तारीख के बीच में जो है तनख्वाह कर्मचारियों को मिल जाती रही है। वह जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी 5 से 7 तारीख को लगभग जो है सैलरी आनी शुरू हो जाए, किसी की 10 लाख भी आवाए। तो इसी प्रकार से जो है उच्च अधिकारियों की ओर से बताया गया था कि दिवाली पर्व के चलते 30 अक्टूबर से पहले पहले जो है कौशल रोजगार निगम के तहत सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो देने का काम किया जाओगा, और कर्मचारी इंतजार करते रहे फिर भी जो उनके बैंक खाते के अंदर सैलरियाँ नहीं आई। घर से जो है वह हजारों कर्मचारी जो है परेशान नजर आए, क्योंकि अधिकारियों की मनमानी के कारण जो है उन साथियों को सैलरी मिलने का काम नहीं होया। जिस प्रकार से इन और कर्मचारी जो सैलरी आई है, अगर उनके अधिकारी टाइम पर जो है पैसा एचकरण को सेंड कर देते तो इन साथियों की सैलरी भी जो आज टाइम पर आ जाती, लेकिन वहीं देखा जाए तो आदेशों की अवहेलना करने का काम नजर आया अधिकारियों के द्वारा। बस जबकि जो है बोलने का काम किया गया था कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको दिवाली से पहले सैलरी दी जावे, लेकिन किसी भी आदेश की जो ये पालना है अधिकारी नहीं करते। चाहे कोई भी आदेश जो है सरकार जारी कर दे, अपनी जो है मनमानी करने का काम करें। तो इसी प्रकार से इन्होंने बताया है कि पब्लिक हेल्थ के जो सीवरमैन के कर्मचारी हैं, इकाई संघ के प्रधान सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करी थी कि दिवाली से 1 दिन पहले सैलरी आ जाएगी, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिली, कर्मचारी बच्चों को मिठाई, जरूरत के सामानों को भी नहीं खरीद पाए। उन्होंने बताया कि सैलरी नहीं आने के बाद चंडीगढ़ शिकायत करने का काम कराया जाओगा। तो वहीं बात करा टीजीटी पीजीटी के भी कर्मचारी हैं जिनकी जो है शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक महीने, ऐसा नहीं है भाई अब की बार उनका जो है डिले होने का काम होया हो, हर बार किसी की 3 महीने में, किसी की 4 महीने में, किसी के 5 महीने में जो सैलरियाँ रिलीज करने का काम किया जाए। सबसे जितने भी हरियाणा के अंदर आल डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंटों में फर्स्ट नंबर 1 पर है शिक्षा विभाग, जो सबसे ज़्यादा जो है कर्मचारी की सैलरी लेट करने का काम करा है। और वहीं एक और खामियां इसके अंदर नज़र आई, वह जो टीजीटी पीजीटी के जो कर्मचारी हैं, जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने निगम वेजेस रेट जो है बढ़ोतरी करी तो टीजीटी पीजीटी के कर्मचारियों को अलग से काउंट करने का काम किया गया है। ये भी जो है हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जो बच्चों को जो है लगातार पढ़ाने का काम भी करे हैं और आगे का भविष्य उज्ज्वल करे हैं। तो इन कर्मचारियों की जो है सैलरियाँ बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया गया, जो बहुत ही जो है दुख की बात है।
तो इस प्रकार से जो ये कर्मचारी भी हैं, एक तो इनकी भी जो सैलरियाँ हों टाइम पर रिलीज करने का काम कराया जावे, जिससे इनका मन में भी जो है बर्डन ना बना रहा है कि सैलरी कब आओगी सैलरी कब आओगी। अगर टाइम पर सैलरी आओगी तो ये जो है बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का काम भी करेंगे, इसलिए हरियाणा सरकार को इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। और जो सैलरियाँ बढ़ोतरी करी है, मुख्यमंत्री साहब ने वादा करा था कि 8% की सैलरी बढ़ोतरी होगी, तो इन कर्मचारी की जो सैलरी बढ़ोतरी है वो भी करने का काम करना चाहिए, जिससे ये कर्मचारी भी जो है खुश नजर आवे। क्योंकि ना तो इन साथियों को जो है एरियर देने का लाभ मिला, ना इनको जो है सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिला, और ना ही जो है टाइम के ऊपर सैलरी आई है, इसलिए ये जो है कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा जो है नाराज नज़र आए इस सरकार से। तो भाई आप साथे लगे जो है यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, और हम तो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करा हाँ कि जल्द से जल्द जो है इन साथियों की जितनी भी सैलरियाँ जो है पेंडिंग बची हुई है, तो इनको जो है जल्द से जल्द रिलीज करने का काम किया जाए, और इन साथियों जो है सैलरी बढ़ोतरी करके इनको एरियर के साथ में जो है तोहफा देने का काम किया जाए। और आप साथी भी जो है कमेंट कर देना कि कौन से और जो डिपार्टमेंट है जिनकी जो है सैलरी अभी तक नहीं आई है। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।